हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वन अपॉन वन बाय वन प्लस लॉग ए बेस का बी दे रखा है प्लस लॉग सी बेस का बी दे रखा है प्लस वन बाय वन प्लस लॉग ए बेस का सी दे रखा है प्लस लॉग बी बेस का सी दे रखा है प्लस वन बाय वन प्लस लॉग बी बेस का ए दे रखा है और प्लस लॉग सी और बेस का ए दे रखा है. अपन यहाँ पे जो है ना वन को जो है ना तो अपन लॉग बी और बेस का बी लिख सकते हैं, यहाँ पे लॉग सी बेस का सी लिख सकते हैं और यहाँ पे लॉग ए और बेस का ए लिख सकते हैं. तो इसको अपन लिखे तो ये हो जाएगा वन अपॉन लॉग बी बेस का बी प्लस लॉग ए बेस का बी प्लस लॉग सी बेस का ए बेस का बी प्लस का वन अपॉन लॉग सी बेस का सी प्लस लॉग ए और बेस का सी प्लस लॉग बी और बेस का सी, ठीक है, प्लस वन अपॉन इस वन को लिख सकते हैं लॉग ए और बेस का ए प्लस लॉग बी बेस का ए प्लस लॉग सी और बेस का ए, ठीक है ना. अब सबका बेस यहाँ पे बी बी दे रखा है तो यहाँ से अपन प्रॉपर्टी लगाए तो ये हो जाएगा लॉग सारे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए बी और सी, ठीक है ना. तो ए बी सी और बेस का बी आ जाएगा प्लस का इधर भी अपन को यहाँ पे सब में बेस सी दे रखा तो यहाँ पे भी जो है ना इसके पावर जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे लॉग ए बी सी हो जाएंगे और बेस का सी आ जाएगा प्लस का सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए बी सी और बेस का ए. अपन ने एक प्रॉपर्टी पर रखा है लॉग एल और बेस का के इक्वल टू होता है वन अपॉन लॉग के और बेस का एल. यहाँ से भी अपन इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा लॉग ए और ये बी हुआ बी और बेस का ए बी सी हो जाएगा प्लस का लॉग सी बेस का ए बी सी हो जाएगा प्लस लॉग ए और बेस का ए बी सी हो जाएगा. अब सबका बेस सेम है तो अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए इक्वल टू लॉग एम एन और बेस का ए के बराबर. तो यहाँ पे अपन वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये लॉग बी इंटू सी इंटू ए और बेस का ए बी सी, ये बराबर आ रहा है लॉग ए बी सी बेस का ए बी सी. तो यहाँ पे लॉग ए बी सी अपॉन बेस का ए बी सी दे रखा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा वन के बराबर. तो इसका जो वैल्यू आ रहा है ये वन के बराबर आ रहा है, वो ऑप्शन डी में दे रखा है तो अपना डी.